वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाज जी गुरु साध संगत जी साहिबां दी पावन पवित्र फतेह प्रमाण करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही प्यार दे नाल भाई साहब जी ने हरि जस सरवण कराया। यह रीत साढ़े रागी सिंघां विच खत्म होंदी जा रही कि गुरु महाराज जी की गुरबाणी के रागों के आधारित शब्द पढ़ने। महाराज ने जे कुछ लिखे है तो उन्हों का कोई मकसद है। तो साढ़े जीवन के असी देखते हैं कि रागों का अभ्यास ज़्यादा ना होने कारण लोग रीतां च ही पढ़ के चले जाते हैं। तो जीवन विच जिन्हें पुराने रागी होंदे सन दरबार साहब के तख्तों पर भी रागों के विच कीर्तन गाते। आ जिहड़ा तबला बजता सी ना ये पहला आटे का होंदा सी ते बड़े मध्यम दे सुर दे विच रागों के नाल जिस वेले बजता तो ऐ लगता जिवें मृदंग बज रहा होंदा। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन रागी सिंघां नूं भी ते सरोतियां नूं भी राग विद्या का प्यार बख्शिश करन। सो आओ अज सब तो पहला गुरु हरकृष्ण साहब जी दे प्रकाश उत्सव की सारी संगत नूं लख लख बधाई होवे। एक छोटी जी उम्र दे विच याद रखियो रब किवें कम करदा है इहनूं जानना। ध्रुव ते प्रहलाद छोटी जी उम्र विच जिन्हां ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े कोई गायत्री तरपन का ज्ञान नहीं है उन्हां नूं ऐसा अध्यात्मक ज्ञान जिवें कुछ बच्चे गरीब घरे होंदे पैदा होंदे ने कुछ बच्चे अमीर घर पैदा होंदे ये ज्ञान का एक अमीर घर है। जिस घर दे विच गुरु हरकृष्ण साहब जी गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह छोटी जी उम्र च ध्यान रखना जिन्हां नूं महाराज ने पहले ही वर दिता सी दोता बाणी का बोहिता छोटी जी उम्र च। ते छोटी जी उम्र दे विच भी पिछले कर्मां दे भोग हुंदे ने वो फल प्राप्त हुंदे। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेट्यो पुरख रसक बैरागी। एक हुंदा ना ज्ञान दे घर विच पैदा होना एक ज्ञान लैके ज्ञान विच आउना ध्यान रखना। एक पैसे दे घर विच पैदा होना एक मेहनत करके पैसा कमाउना। जीवन दे विच महाराज ज्ञान दे घर विच पैदा होए सन। सच्चे पातशाह जी छोटी जी उम्र दे विच तुसीं ख्याल करो 5 साल दे बच्चे नूं कोई घर दी चाबी नहीं दिंदा है। महाराज ने कौम दी चाबी दित्ती है। ऐसी अवस्था श्री हरकृष्ण साहब जी दी बनी। आओ सब तो पहला एक शब्द प्यार नाल सरवण करिए सतगुर मूर्त कौ बल जाओ। पढ़ो प्यार नाल जी फिर आपां नाल दी नाल सिंह साहब जथेदार हनुमान सिंह जी ध्यान रखना अते सिंह साहब अकाली साहिब सिंह जी उन्हां दा दिवस बड़े प्यार दे नाल बुढ़ा दल दे मना रहे ने। आप जी 7वें इधर बाबा फूला सिंह जी सिंह साहब बाबा फूला सिंह जी तो बाद 6वें पहला वो रहे जथेदार बुढ़े दल दे फिर नौशहरे दे उस जंगे मैदान दे विच जिस वेले बाबा फूला सिंह जी शहीद हो गए उस तो बाद पंथ खालसे ने चुनिया बाबा हनुमान सिंह जी। इन्हां बारे आपां हुण जिक्र करते चलांगे किवें अंग्रेजां ने कौम दा नाश कीता। ख्याल करियो किवें उन्हां ने ब्यौंतबंदी नाल सिखां दे मगर पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद उन्होंने इतिहास खराब किया।
ख्याल करियो। पंथ खालसे नूं बंदा सिंह बहादुर दे खालसे दा जिहड़ा इतिहास सी उहनां नूं मलाइन कीता इहनां ने, ध्यान रखना पंथ खालसे तक पहुंचण नहीं दिता इहनां ने, तां कि लोक किते सिंपति गेन करके इस कौम नाल ना जुड़ जाण। अंग्रेजां ने एक बहुत बड़ा सिख पंथ नाल धोखा दिता कीता, तुहानूं पता है कि सचखंड श्री हजूर साहिब दे विच जिथे भाई साहब भाई मनी सिंह जी की बीड़ लिखी हुई सी, जिन्हां नूं गुरतागद्दी सच्चे पातशाह ने आप दित्ती 1708 विच 6 सितंबर नूं गुरतागद्दी बख्शिश कीती महाराज ने, गुरपुरब दूज वाले दिन पंचमी वाले दिन सच्चे पातशाह सचखंड गमन हो गए सन। उस तो बाद वो बीड़ उतों गायब हो गई। तुहानूं पता है किसी नूं अज वो सचखंड श्री हजूर साहिब विच नहीं है, नहीं है, वो बीड़ दे उतारे होणगे। वो बीड़ अंग्रेजां ने ते उदासियां ने इन्हां दे मिली भगत नाल उतों बीड़ इतों गई। अज 3000 तो वध बीड़ां क्राउन लाइब्रेरी दे विच ब्रिटिश लाइब्रेरी दे कोल पईयां ने, 3000 तो वध। कोई खालसा पंथ उठ के ये गल करन नूं राजी नहीं है। जथेदारां नाल असीं बहुत पहलां भी जिक्र कीते, जिस वेले प्रोफेसर दर्शन सूरी सी, मनजीत सूरी सिंह साहब सीगे, फिर ज्ञानी केवल सूरी होए, हुण हरप्रीत सूरी ने उत्थे आ 328 सरूपां दा जिहड़ा उत्थे होया दास नूं सेवा मिली सी, वो जिहड़े 328 सरूप की रिपोर्ट बनाई सी 1100 पेज की है, जिहदे विच 3000 तो वध सरूप इन्हां ने प्रिंट कढ के ऑफ द रिकॉर्ड वो रिपोर्ट में लिखा है साढ़े, पर इन्हां दा कोई हिया नहीं पैंदा कि कुछ उन्हां ते कुछ कारोबाई करन कारवाई होवे। पर हुण खालसे पंथ नूं आपां ने गल जरूर दसनी है, कन्नां च पाउणी है, अज नहीं कल नूं नहीं परसों, कदे ना कदे समय आएगा। ये जिहड़े सरूप ने साढ़े महाराज दे ब्रिटिश लाइब्रेरी दे विच क्राउन लाइब्रेरी दे विच 3000 तो वध सरूप ने, उधर उस वेले ICS अफसर होंदे सीगे, यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन दे ऑफिसर्स होंदे सीगे वो ICS करन वास्ते लंडन आउंदे सी, ते उहनां नूं ही एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का दिता जांदा सीगा, ते ब्रिटिश उस दे माहर सी, ते इन्हां ने जिस वेले इस दरबार साहब दे एडमिनिस्ट्रेशन नूं संभालण दी कोशिश कीती कि असीं अंग्रेज बना देने ने सारे सरदार, ध्यान रखियो इत्थे तक होया सी कि दरबार साहब नूं भी बेचण दे उत्ते अमृतसर साहब दा हरिमंदर साहब है उहनूं बेचण वास्ते उदासियां नूं मना लिया सी, ध्यान रखना। उहदे मूहरे 65 साल एक चर्च बनिया होया सी, चर्च जो कि खालसे पंथ ने बाद ढाया, उन्हां दी फोटोआं भी ने इस वेले साढ़े कोल भी ने। सो कहण दा भाव यह है कि इन्हां ने जिस वेले 1947 दे विच खालसा राज दा इशू उठिया, एक बुक बनी हुई है, तुसीं कदे देखियो, तुहाडे इत्थे अवेलेबल है, इंडिया च अवेलेबल नहीं है, 12 वॉल्यूम्स ने, ट्रांसफर ऑफ पावर 12000 दे पेज ने, वो ध्यान रखना, जिहदे विच सारियां गल्लां लिखियां होईयां ने, ते नेहरू ने उस दस्तखत कीते, ते पटेल ने दस्तखत कीते करके गल कही कि भाई 70 साल इस नूं पब्लिश नहीं होण देना। आ हुण ब्रिटिश ने लाइब्रेरी तो आई है बुक्स, वो उन्हां दे लाइब्रेरियां दे विच पईयां ने, पर इंडिया विच हाले भी नहीं आई, नहीं आई। सो कहण दा भाव यह कि जरूर बुक पढ़े, वो वॉल्यूम्स ने 12, ट्रांसफर ऑफ पावर, ये किवें महाराजा रणजीत सिंह दा राज इन्हां ने खत्म किया, किवें उन्हां दे बच्चे मारे, किवें डोगरिया नूं इन्हां ने राज दिता, ध्यान रखियो। 3 भाई सन ये, गुलाब सिंह बड़ा भाई सी, ध्यान सिंह डोगरा विचारला सी, ते छोटा भाई सुचेत सिंह सी, ये सरदारां वांगू लगदे सी,
बिल्कुल दस्तार सजाते केस धाड़ी दाढ़ी रखते सी। लोगों के मन में यह सरदार ने पर डोगरे सन। इन्हों महाराजा रणजीत सिंह के राज विच वाड़िया। दास ने उहदे ते पीएचडी की है, ध्यान रखना डॉक्टरेट की है। ये सो कहण दा भाव यह है इन्होंने किवें सिख राज नूं फिर खत्म किया। महाराजा रणजीत सिंह दियां पैसे दे खजाने दे पैसे लैके 80,000 नानक शाही जिहड़े सिक्के सन सोने दे ओह दे के उन्होंने कश्मीर खरीदिया सी। खालसे पंथ दियां सारियां जिन्नियां बीड़ां ने उस वेले लिखाईयां डोगरियां ने महाराज दी बीड़ां विच भी अदला बदली की, ध्यान रखना। महाराज की जिहड़ी बीड़ सी जिन्हां नूं गुरतागद्दी दित्ती गई सी ते बाबा दीप सुरन ने चार उतारे, ध्यान रखना। अज सिख पंथ दे कोल नहीं है वह बाद च लिखे हुए ने जिहड़े हुण अज लोग कहिंदे ने वह सारे इत्थे पए ने ब्रिटिश क्राउन लाइब्रेरी च। इन्हां दा कोई मतलब नहीं है कि सिख पंथ के जो गुरु ने उन्होंने ये आपदे कोल रखन ते साडा पंथ कोई कुछ भी ना बोले। असी बहुत सारे लोगों नाल विचार की, कोई इस गल दे उत्ते पहरा देण नूं कट्ठे होण नूं राजी नहीं हन, ध्यान रखना। किसी ना किसी मकसद दे विचों चुप हो जाते हैं, कई मकसद ने इन्हां दे विच। सो इत्थे भी हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कई सरूप ने जिहदे उत्ते 3,000 तों वध ऐसियां बीड़ां ने, ध्यान रखना, जिन्हां विच शब्दां दी हेरा फेरी कीती है, बदलाहट कीती है। अज तक साडे पंथ ने कोई सही तरीके नाल कदम नहीं चुकिया। ऐ गुरसिखो, साडा गुरु है बाणी, साडा गुरु बाणी है, ध्यान रख। सच्चे पातशाह नूं पुछिया सी नानक पातशाह जी नूं जिस वेले सिद्ध गए, सिद्धां कोल गए महाराज सुमेर पर्वत, कहिंदे महाराज तुहाडा गुरु कौण है? कहिंदे साडा गुरु पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुम चेल। गुरु ते गुर, सतगुर ते सतगुरु, इन्हां दे अर्थ खत्म करते इन्हां ने, ध्यान रखना। प्रभ ते हर ते राम दे अर्थ खत्म करते, ध्यान रखना। अज किसी टीके विच अर्थ नहीं मिलते, ध्यान रखना। दास थानू एक शब्द सुनाएगा, महाराज कहिंदे हर प्रभ ठाकुर काज रचाया। हर ते प्रभ दोनों शब्द बोल रहे हैं ना आपां। आपां देखो दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया, हर प्रभ शब्द वरत रहे हैं। इन्हां दे किसे टीके विच अर्थ सानूं दिखा दिओ, एक भी टीके च अर्थ नहीं होण दित्ता, ध्यान रखना। सो कहण दा भाव प्रभ कहिंदे ने परमेश्वर जो साडे शरीर विच वसदा है, परमेश्वर जो भौतिक तत्व विच वसदा उहनूं प्रभ कहिंदे ने। ऐसा रब हरेक विच वसदा है उहनूं हर कहिंदे ने। तुहानूं पता है ये अर्थ खत्म कर दित्ते गए, ये अर्थ किसी टीके च नहीं है, ध्यान रखो। फिर दूजी गल, साडा एक मकसद सी गुरबाणी का, हरेक बंदे विच रब नूं देखना, हरेक बंदे ने रब वर्गा होना है। साडे कोल दो मकसद ने, जब हम होते तब तू नाही, है ना, अब तू ही। एक बार कह दो अब तू ही मैं नाही, उहदा की अर्थ होया कि नानक पातशाह नानक पातशाह नहीं सन, नानक पातशाह मिट गए सन, हुण रब ही नानक पातशाह होके वरत रहा सी। कोई इहदा अर्थ कर रहा है? नहीं अर्थ कर रहा, ध्यान रख। जिस वेले महाराज गुरता गद्दी दे मालक होए, शब्द नाल जोत विच जोत रल गई, उस वेले ही ज्योति जोत समा गए। असीं शरीर छड्डन नूं ज्योति जोत कहने ना, ऐसा नहीं है। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई, ख्याल रखना। जिस वेले अंगद पातशाह नूं गुरदी दित्ती उस वेले ज्योति जोत समा गए सन। हुण अंगद पातशाह नहीं हन, हुण रब ही अंगद पातशाह होके इस बितरे विचरे, आखो सतना, ख्याल रखियो रब ही। आज जिन्हें आपां बैठे हैं ना, महाराज कहिंदे जो दिसै सो तेरा रूप, अर्थ करियो जरा, जो दिखा थानू दिखे ये रब का रूप है। आप इस दे पैरा दिने नहीं देंदे, साड़ी सुरत नहीं काम करन दिती, ध्यान रखना। सच्चे पातशाह कहिंदे हन भाई एते औरत मरदा साजे, ये सब रूप तुम्हारे, आखो सतना। किवें होवांगे आप रब दे रूप,
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਭੁੱਲਾਂ ਫਿਰੇ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਖੋਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੱਸਣਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਅਰਥ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗੜੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਕਤ ਨਰ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਬਿਨ ਆਈਏ ਜਾਈਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਪਰ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਓ, ਆਪ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਚਾਰਿਓ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਨ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਚੇ 'ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨੇ 'ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਰਹੇਗੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਹੈ ਘੱਟ ਰਾਮ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਭ ਹੈ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ ਸਭ ਹੈ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਕਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਭਾ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਟਰੱਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵੀ ਹੈਵ ਲਕਸ ਦੈਟ ਟਰੱਸਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭਾ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੈ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ, ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਰੱਬ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸਵਾਮੀ, ਹਰਾਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਹਰਾਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੇ ਸਵਾਮੀ, ਹਰਾਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਿੰਡ ਨਾ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਟਿੱਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੈ। 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਸਰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਖੰਭ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਕੋ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਣੀਏ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਣੀਏ ਦੂਰ, ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ, ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ, ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੋ ਜਲ ਕੇ, ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੋ ਜਲ ਕੀ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦ ਪਾਉ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦ ਪਾਉ, ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ, ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉੱਤਮ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾ ਹੀ ਏ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਸ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਇਆ ਬਦਲ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਭ ਹੈ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੈ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ, ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਥੇ
सारयां विचों रब बोलदे ने। कोई ऐसा बंदा नहीं है, जितने तुसी अच्छा कम करदे हो तुसी नहीं करदे, ये रब कराउंदा है। ध्यान रखना, जे तुसी गुरुद्वारे आए तो रब लैके आया, जे तुसी बाणी पढ़ रहे हो तो रब पढ़ा रहे ने। ध्यान रखना, जे तुसी किसी की मदद कर रहे हो तो रब करा रहे ने। आपां ऐसा ज्ञान दिमाग चो कढ दिता है। ध्यान रखना, हर बंदा कहिंदा मैं करदा जी, मैं कीता जी, मैं वस गई। महाराज कहिंदे जब लग मेरी करै तब लग काज एक नहीं सरै। जब मेरी मिट जाए, कितना पहरा दिता महाराज ने, देखो कह जब मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे है। ध्यान रखना, ता जीवन विच रब दा कार साडे विचों सवरना है। आ शब्द नूं बहुत ध्यान नाल विचारियो, कहिंदे जब लग जाने मुझते कछ होए। गल समझ आई, जदों तक साडा मन ये जाने कि मैं कुछ करदा, मैं कुछ कीता, कहिंदे तब इसको सुख नहीं कोहे। जब ये जाने मैं कुछ करता, कहिंदे तब लग गर्भ जोन में फिरता। आखो सतना, तुहानू पता है जी कि हर बंदे ने जिउंदिआं जी जन्म लैण तो बाद उहदा जन्म मरण मिटना चाहिंदा है। जन्म मरण दो हूं मैं नहीं, जन पर उपकारी आए। महाराज कहिंदे भाई जीवन विच अब आवन जान रहे, शब्द सुन रहे हो, महाराज कहिंदे ने बहुर हम काहे आवेंगे। आवन जाना हुक्म तिसे का, हुक्म है बुझ समावेंगे। आ शब्द नूं देखियो, रब साडे विच वसदा है ते सब दे विचों रब बोलदा है। जिन्ना जिन्ना विचों रब बोले उन्हां दी बाणी दर्ज कीती है ताकि लोग सुन सन सकन के रब किवें बोलदे ने ते असीं रब नाल किवें बोलना है। आखो सतना, केवल उन्हां दी बाणी दर्ज है जिन्हां ने कहा ना मैं ओही रे, मैं ओही रे, उन्हां दी बाणी नहीं दर्ज कीती भाई। आखो सतना, है ना, नहीं दर्ज कीती। जिन्हां ने कहा मैं हुण हो गया, महाराज कहिंदे तूं कुफर हो गया। ध्यान रख, तू शरीक बनने की कोशिश कर रहा रब की। इत्थे जीवन च रब का कोई शरीक नहीं बनना चाहिंदा, किसी नूं शरीक नहीं बनाउणा। सच्चे पातशाह कहिंदे या तां रब है या फिर मैं मनुख हाँ। याद रखना, जितने थोड़े विच अच्छे काम ने वह रब दे ने, थोड़े नहीं हैं। महाराज कहिंदे जितने गुण ने ना, अवगुण मेरे ने अपने ने, रब दे नहीं हो सकते अवगुण, गुण मेरे नहीं हो सकते। गल समझ आ गई, गुण मेरे नहीं हैं, अवगुण रब दे नहीं हो सकते। महाराज कहिंदे मेरे घर विच मेरा रब बसे तो मैं भी बसा, एका संगत एकत ग्रह बसते मेरे बात ना करते भाई। कहिंदे कदे घट बैठे रब नाल गल कीती नहीं, कीती अपनी सुनाई होनी है, रब दी सुनी नहीं होनी। आखो सतना, इतना साडा मंद भाव हो गया बंदे दा। आपां सिख हां, गुरसिखो, गुरमुखो सिख हां। सिख दा अर्थ सिखनी ही अपनी गल है, सिखनी ये गल है कि रब नूं मैं किवें सुणा ते मैं किवें बोलदा मैं जान लां। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी कह दो, हम आपां पापी हां। महाराज कहिंदे कबीर सब ते हम बुरे, कह दो कबीर सब ते, ये कहा नहीं जाता दुनिया के लोगों तो, नहीं कहा जाता है। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, जिहड़ा गुरमुख होगा नीवें तो नीवें होके वरतेगा। ध्यान रखना, जिहड़ा संसारी होएगा आकड़ के चलेगा, वो दफ्तर तो बाहर नहीं आएगा। ध्यान रखना, जदों जीवन दे विच उह कोई चौधरपना दे दिओ उहनां नूं, उह निमाणा होके सेवा नहीं करेगा, ते जिहड़ा निमाणे होके सेवा करेगा उहनूं चौधरपना किसे ने देना नहीं। इत्थे गल याद रखियो, महाराज कहिंदे भाई आपस को जो जाने नीचा, कह दे सो गनिए सबते ऊंचा, आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे। जेड़ा कहे ना मैं चंगा, सब ना सब नालों गंदा बंदा है, ये सब नालों माड़ा बंदा है, ये गुरसिखी दी नीति सी। असीं ये तो बहुत दूर होके चले गए, बहुत दूर। ऐ गुरसिखो, गुरु नूं सुनो, बंदियां नूं ना सुनियो। बंदियां नूं बिल्कुल नहीं पता किवें बोलना है, इत्थे गुरु किवें बोलदा है मैनूं ओह सुनना है। महाराज कहिंदे हम अवगुण भरे, कह दिओ हम अवगुण भरे, एक गुण नहीं। आपां तां गुणां वाले बने फिरदे हां। आखो सतना, है ना, आपां तां कही जाने कि मैं बहुत वधिया शस्त्र विद्या खेडदा जी,
ਇਸਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਖੜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਦਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਬਦਲੋਗੇ ਓਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਨਮੁਖ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਬਸ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ, ਮੂਲ ਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਉ, ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਟਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੌ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਿਓ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਵੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣੀ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ, ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਰੱਬ ਚੰਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਠਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੱਬ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਵੇਖੋ ਤਹੈਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਹੋਣਾ ਜਾਈ, ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ। ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਉਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਥੋਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂ ਸਦਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ, ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਏ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਹ ਗਿਆਨ ਜੀਵਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਪ੍ਰਭ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਐਂ ਇਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਰ, ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ। ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਐਸਾ ਰੱਬ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਰੀ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੱਸਦਾ, ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ,
हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, दोनों शब्द गा रहे हैं। धन हिरदय नाम विगासी, जन नानक बोलै चौथी लावै, हर पाया प्रभ अविनाशी। दोनों शब्द पढ़ते, इहदा अर्थ है कि मैं हरेक विच वसदे रब नूं तां पाया जो प्रभ जिहड़ा अविनाशी मेरे नाल रहिंदा सी उहनूं मिलिया। आखो सतनाम। सो घट बैठे रब नूं देखना, दूजे विच हरेक विच रब नूं देखना, यह सिख की निगाह है भाई। आखो सतनाम। इन्नी अखी नजर ना आवई, इन्नी अखी नजर ना आवई जिचर शब्द ना करे विचार। जो थे बाणी के शब्द नूं तुसी विचारोंगे नहीं, थानूं वो रब जिहड़ा थोड़े विच वसदा अखां नाल दिखेगा नहीं, दूजे विच दिखेगा नहीं। सो असी कित्थे खड़े हाँ तुसी आप देखियो। इस गल नूं आपां इत्थे तक लैके आ रहे हैं। प्रभ दे देखो अर्थ करते, परमेश्वर जिहड़ा भौतिक तत्व विच वसदा है, जे अंकर लग्या तो वह अर्थ ध्यान दिओ, जे सिहारी लगी है तो वह अर्थ है कि अंदर बसा लो ताकि प्रभु प्राप्त करो, परमेश्वर इस भूमि में प्रगट करो। ज्यूंदियां जी ए अब की बार बख्श बंदे को बहर ना भावजल फेर। महाराज कहते इस शरीर रूपी खेत विच ऐस जन्म दे विच मुड़ के नहीं आना पाने, याद रखियो बहर हम कहे आवेंगे, कह दियो बहर हम कहे आवेंगे। आवन जाना हुक्म तिसे का हुक्म है बुझ समावे। रब दे हुक्म नूं बुझो, जिहड़ा रब थोड़े विच वसदा है उसकी बाणी है, ये हुक्म है, इहनूं सुनना। रब सारिआं विचों बोलदे ने, तुसीं देखिआ सवेरे इक आवाज़ आउंदी है उठो, आउंदी है आवाज़ तां ही उठदे आ ना आपां, ओह इक आवाज़ आउंदी ओह इनर वॉइस है, रब की आवाज़ है। जदों तुसीं कोई काम करदे हो आपां कर दीए, आवाज़ आउंदी है अंदरों, तो वह रब बोलदे ने, तो उस वेले पहरा दिओ कि सत बचन महाराज। जदों तुहानूं कोई खड़ावे महाराज शुक्र है। घट बैठे रब नाल बोलना सीखो, एका संगत इकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई, रब नाल बोलते नहीं, रब नाल बोलना सीखो, ये रब की बाणी है। सो आओ प्रभ ते हर दे अज तुसी दर्शन किए ने, कल नूं आपां अगे चलांगे। सो जीवन विच इस गल नूं जीवन च बसाउणा, गुर गुरु तो गुर लैना है, गुरु तो की लैना है गुर, ताइयों सानूं कहिंदे गुरसिख। की कहिंदे? गुर, गुर दा अर्थ है टैक्नीक, मैथड, विधि, ढंग, तरीका। गुरु गुर दिंदे ने, महाराज का शब्द एक ही लाइन दे, दोनों शब्द पढ़ रहे हैं आपां। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, दोनों शब्द पढ़ते एक दे। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, बाणी तो बिना समझ नहीं आना, किसी बंदे दे पिछे जाना नहीं। बाणी की गुर दिंदी है, की टैक्नीक दिंदी है, की विधि दसदी है, क्या जप क्या तप संजमो क्या वर्त क्या इशनान जब लग जुगत ना जानी है भाओ भगत भगवान। सच्चे पातशाह जी का इस गुरु के गुर वाल सुरत रखियो, तो गुरु का गुर ध्यान दियो, औंकर लग्या गुरु के गुर नूं अपने अंदर वसाओ, फिर सिख गुरु का रूप हुंदा है। महाराज कहिंदे गुरु सिख, सिख गुरु है, कह दियो गुरु सिख, सिख है ना, सिख ने गुरु का रूप होना है, सिख ने रब का रूप होना है, सिख ने मुड़ के जन्म नहीं लेना, याद रखना। अंत वेले तक श्वास जब तक खत्म नहीं होंदे सिख दे रहना। आखो सतना। कदे नहीं कहना मैं सिख गया, नहीं कहना, जदों कहता ना मन ने मैं सिख गया, समझो हुण अगे नहीं तुरू है, इहदी गति खत्म है। सच्चे पातशाह जी का शब्द विचारियो। सो महाराज के आ शब्दों का एक ध्यान रखियो, जिस वेले आनंद साहब पढ़ते हो, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जाने, गुरु शब्द आ गया, हुण अगे गुर आऊगा, कहिंदे जाने आनंद सदा गुर ते, यानी जद तक गुर नहीं ना सिखा है गुरु तो उत्थे आनंद नहीं आना। आ शब्द देखियो, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, होवे तां सन्मुख सिख कोई जियो रहे, है ना, जद तक गुर नहीं ना लवांगे गुरु तो ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਲੈਣਾ, ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ,
हजार एते चानन हुंदिया गुरबिन, फिर नानक पातशाह दा शब्द आ रहा है, कहिंदे नानक गुरु ना चेतनी, है ना, नानक पातशाह दा शब्द है। नानक पातशाह यह नहीं कह रहे कि जे तुसीं मैनूं नहीं चेतोगे, कहिंदे बाणी नूं जे तुसीं ना चेतिया कट बैठे रब दी जै तन बाणी विसर जाए क्यों पक्का रोकी मिलदा है। सो आओ इहनूं सत करके मनना, इहनूं आपां शब्द राहीं गा रहे हां महाराज दे, कहिंदे भाई सतगुर मूरत कौ बल जाओ, पढ़ो जरा प्यार नाल राग। मूरत को बल जाओ सतगुर, मूरत को बल जाओ, मूरत को बल जाओ सतगुर, मूरत को बल जाओ। अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की, अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की, सफल दर्शन कद पाओ। मूरत को बल जाओ सतगुर, मूरत को बल जाओ, मूरत को बल जाओ सतगुर, अंतर प्यास चात्रक हुंदा पपीहा। उन जदों पानी स्वांत बूंद याने बरसात दी पहली बूंद आउंदी है, पहली बूंद वह पींदा नहीं तो प्यासा मर जांदा। आखो सतना पहली बूंद बरसात दी, चाहे किन्ने टोबे भरे होण, चाहे किन्ने तुहाडे तलाब भरे होण, समुंदर भरिया होवे, वह पानी नहीं पीता। कहने आए सिख घट बैठे रब दी जिस वेले स्वांत बूंद आवे ना, यानी जिथे मैं ना होवे, जिथे रब बोलदा होवे, कहने ओदे सुरूरत नूं कहदे अपने अंदर विकास दिओ। उसनू महाराज कहने अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की, कहने सफल दर्शन कद पाओ, कहने ऐसा सफल दर्शन मैं बींगे सिख किमें तेरा पा सका, जिथे मेरी मैं मिट जाए फिर तू ही बोलदा होवे। आखो सतना तुहाडे विचों रब ने बोलना है, तुहाडे विचों रब ने करदे ने रब दे कीते नूं तुसी रब दा कीता कहना है। महाराज कहिंदे जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवै स्वामी, हर आपे बोल बुलावे। हाले तो आप कहना मैं बोलदा, फिर थोड़े मन ने कहना है कि भगत मुखे ते बोलदे से बचन हो बंदे। आखो सतना आप रब दे भगत हाँ भाई, रब अपने विच वसदा है, यह रब की बाणी है, रब नाल जुड़ना, अपने आप नूं मिटाउणा है ते रब नूं प्रगट करना है। ऐसे दर्शन मैं कदों सफल पा सका, पढ़ो जरा प्यार ना जी। अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल, अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की, अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की, सफल दर्शन कद पाओ, सफल दर्शन कद पाओ। मूरत को बल जाओ सतगुर, मूरत को बल जाओ, मूरत को बल जाओ सतगुर, मूरत को बल जाओ। अनाथ को नाथ सर्व प्रतपालक, अनाथ को नाथ सर्व प्रतपालक, भगत वचन हरना, भगत वचन हरना, जा को कोई ना राखे प्राणी, जा को कोई ना राखे प्राणी, तिस तू देह असरा, तिस तू देह असरा,
तिस तू दे असरा मूरत को बल जाओ सतगुर मूरत को बल जाओ मूरत को बल जाओ सतगुर मूरत को बल जाओ तेरे तारे ने गत्या गत तेरे तारे ने गत्या गत निथावे तू था कह दिस जाओ तहां तू संगे जिथे भी मैं जावा तू मेरे नाल है बड़ो प्यार नाल दह दिस जाओ तहां तू संगे तेरी कीरत कर्म कमाओ तेरी कीरत कर्म कमाओ कीरत एक हुंदा कर की जो आपां रोज काम करते हैं जी इन किरत कहने की कहने किरत ते जो बंदा रोज काम करे ते कहे मैं करदा वह बिछड़ जाएगा रब जे वह कहन जोकरी अवस्था बना ले ना जी अपने अंदर मैं नहीं करता किरत तू करा ता हों रत के जो किरत करी दा कीरत कहने की कहने ने कीरत कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना जीवन विच किरत करन वाला विछड़ जाएगा किरत कर्म के विछड़े कर कृपा है ना किरत कर दो दसा दसा नौहां दे किरत कर लो करके कह दो मैं कीता उत्थे विछड़ जाओगे जब तो तुसी ये कह नहीं सकोगे मालक ये तू करा रहे हैं तू मेथों कराया तेरा कीता होया उनू कीरत कह देने भाई आखो सतना कीरत कौनी कहिंदे कीरत कर्म करदिया होया कमाउणी आखो सतना सच्चे पाशाह देखो फिर अगे की कहते हैं भाई एक ते लाख लाख ते एका एक ते लाख लाख ते एका तेरी गत मित कह ना सका आए रब अपने विचों नहीं ये लखां विचों वो आप करदा दिखेगा आखो सतना एक हैं अनेक हैं अनेक हैं फिर एक अपने विच भी रब नूं देखो दूजियां विच भी रब नूं देखण दी बिरती पैदा करो जी प्यार नाल जी तू बेअंत तेरी मित नहीं पाई है तू बेअंत तेरी मित नहीं पाई है सब तेरो खेल दिखाओ सब तेरो खेल दिखाओ सब तेरो खेल दिखाओ सब तेरो खेल दिखाओ मूरत को बल जाओ सतगुर मूरत को बल जाओ मूरत को बल जाओ मूरत को बल जाओ साधन का संग साध संगोष्ट जेडे अभ्यासी ने ओदा संग करना जदों तुहाडी सुरत अभ्यास करन लग जाए ते समझो तुसी साध संगत करन लग गए ये चार शब्द मन समझने संत साध ब्रह्म ज्ञानी रब संत कहते हैं जिहड़ा रब दे शब्द नाल प्यार करे ते अपने शब्द नूं कड़े कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो शब्द नाल प्यार करना संत है जिहड़ा अभ्यास करे वह साध है प्रैक्टिस करन लग जाओ साधु बन जाओ प्रैक्टिशनर बन जाओ फिर थोड़ी सुरत साध संगत करन लग गई समझ
जिन्हों ब्रह्म का ज्ञान होने लग जाए वह ब्रह्म ज्ञानी है। ध्यान रख जिहड़ा फिर रब वर्गा हो जाए, रब ही हो जाए, फिर वह रब है। फिर महाराज कहते फिर ओ नहीं है। हुण नानक पातशाह रब होके, रब ही नानक होके वरत्या। आखो सतना आए दसे पातशाहियां रब होके वरतियां, आए सिख साडे सिंह रब होके वरते। याद रखना फिर ओ नहीं सी जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं। इस गल ते पहरा देना। आए सिंह बाबा फूला सिंह जी वर्गे, आए सिंह बाबा हनुमान सिंह जी वाले सिंह वर्गे, सिंह साहिब ध्यान रखना। आए वरते विश्वास लेके आओ, ध्यान रखना विश्वास के घर जाओ। साडा विश्वास फेथ ट्रस्ट तोड़ दिता लोगों ने, ध्यान रखना। इस घर विच सुरत नूं लैके आओ, अपने भाइयों विच संगत विच रब नूं देखो। ध्यान रखना जिहड़ा भी जनावे उहनूं उत्थे ही रोको। भाई भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच टप्पे बहुत दुख पावे। अपने आप नूं किसी ने जनाउणा नहीं भाई, किसी नूं जनाउण नहीं देना। लोगों का सहायता करो, मदद करो। जिहड़ा भी कहे ना मैं कीता उहनूं फट रोक दिओ, तैं नहीं कीता मालक ने कराया। ऐसा संगी साथी हो जो। आखो सतना साधन का संग साध सो गोष्ट हर साधन सो लेवला साधन सो लेवला जन नानक पाया है गुरमत। एक गुरमत जिन्हों सिखन वास्ते सिख बने आप, इस गुरमत तो पैरे तो जरा इधर उधर हिलना नहीं, डोलन नहीं देना मन को। काहे मन तू डोलता मन सा पूर्ण हार। ध्यान रखना मन को डोलन नहीं देना। जे मन डोल जाएगा ना तो फिर ये कुराहे पै जाएगा। आखो सतनाम ये मूर्ख हो जाएगा। नहीं तो यही मन जोत स्वरूप है भाई। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हरजी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। पढ़ो जरा की जन नानक पाया है गुरमत, जन नानक पाया है गुरमत, हर देहु तरस मन चाओ। मेरे मालिक आए मेरे अंदरों तू अपना दर्श दे, मेरे मन च चाओ आवे, मैं दुनिया विच रब नूं देख सकां। सारे सिंघां दे विच रब नूं देख खिंदी मेरी निगाह बन जाए, नहीं तां उदों तक अख ना दिखेगा नहीं, इन्नी अखी नदर ना आवेई जे चिर शब्द ना करे विचार। सो आओ अखीली लैन, कल नूं आपां इतिहास नूं अगे लैके तुरांगे। आपां ने अज बेस मन्निया, जे आ बेस ना बनिया होवे जिन्ना मर्जी मैं इतिहास सुना दिया तुहानूं, ध्यान रखना समझ नहीं आना। ध्यान रख आप सिंघां दी उस्तत करन लग जाएंगे, असी रब दी उस्तत सिंह करके करो। ध्यान रखना रब सन रब ऐसा जीवन विच ए विचरे। आए सिंह विचरदा मुड़ के फिर जन्म नहीं लैंदा, वो आवागमन तो मिट जाता। आखो सतना जन नानक पाया है गुरमत, हर देहु तरस मन चाओ, 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 मूर्त को बन जाओ सतगुर मूर्त को बल जाओ। पढ़ो सारे मूर्त को बल जाओ सतगुर मूर्त को बल जाओ, अंतर प्यास चात्रक ज्यों जलते, अंतर प्यास चात्रक ज्यों जलते, सफल दर्शन कद पाओ, सफल दर्शन कद पाओ,
मूर्त को बल जाओ, सतगुर मूर्त को बल जाओ, मूर्त को बल जाओ, सतगुर मूर्त को बल जाओ, मूर्त को बल जाओ, मूर्त को बल जाओ। अकाल पुरख के रक्षा हमने सर्वलोह के रक्षा हमने सर्वकाल की जी की रक्षा हमने सर्वलोह जी की सदा रक्षा सर्वलोह जी की सर्वलोह जी ने सदा रक्षा हमने राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बुझिया राग रतन परिवार परिया शब्द गावने आया शब्दों गावो हरि के रामन जनी वसा कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रो हर नाल हर नाल हो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना सब नाग समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिर्फ सलाह तेरे नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया माजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शाम सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सलाम कुर्बान किता गुरु तो जिस दिया ए बनाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सवा के शब्द वाजे कलाजित कर धारिया पांच दूत तो दवास की ते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तैस को हो तित कर अनहद वागे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया तेरे सगल सूरे दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन भय सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवे सतगुर रहा परपूर बिनवंत नान गुर चरण लागे बाजे अनह तुरे श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाजे धर्म दूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर आया गए मशक्त काल नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पिंड सब तेरी रास
जा